समझिए कि फिक्र रखते हैं। थोड़ा जगह दे दीजिए जरा उन सबको आज समझ। मौलाना महमूद मदनी ग्रुप, जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप, जमात इस्लामी तेलंगाना के ये समझिए ये जमातों के तमाम अमीर, और फिर जमीयत अहले हदीस के अमीर, जमीयत वहदत इस्लामी के अमजदुल्ला खान साहब एमबीटी, और टीआरएस की जानिब से दो चेयरमैन मौलाना यूसुफ जाहिद साहब खादी बोर्ड विलेज चेयरमैन, और जनाब अकबर हुसैन साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन, और मुख्तलिफ मदारिस दीनी मदारिस के जिम्मेदार मौलाना मुफ्ती अबरार साहब जामे दारुल हुदा, और मुफ्ती अब्दुल फत्ता साहब SDPI से अब्दुल वारिस साहब, और पॉपुलर फ्रंट की जानिब से आबिद साहब। तमाम जमातों ने इसको समझे कि मंजूरी दी है कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी मुसलमानों की, और फिर उसमें गैर मुस्लिम असहाब को और इंटेलेक्चुअल्स को, दलित ऑर्गेनाइजेशन और सोशल जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन सबको भी इस समझे जैक में शामिल किया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि आज जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन NRC का बायकॉट करते हैं, और इस NRC के बायकॉट का मूवमेंट फर्स्ट फेस में तेलंगाना में चलाया जाएगा, उसके बाद आंध्रा और कर्नाटक में समझिए कि हम ये मूवमेंट को चलाएंगे। तो मुसलमानों से तमाम जमातों ने तेलंगाना के लेवल पर यह इत्तेफाक किया है कि NRC का कोई फॉर्म मुसलमान सबमिट नहीं करेगा। अगर डिटेंशन सेंटर में जाना है तो टोटल मुस्लिम कम्युनिटी और वो लोग जो दस्तूर और डेमोक्रेसी की हिफाजत करते हैं वो सब लोग एक साथ डिटेंशन सेंटर में जाएं। जिस तरह के क्योंकि अमित शाह की जो तकरीर है वो एक हिंदू स्टेट के होम मिनिस्टर होने की हैसियत से जो बात कही जानी चाहिए वैसी बात उन्होंने कही। पूरे डेमोक्रेटिक और समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को होम मिनिस्टर ने डिस्ट्रॉय किया है, तो हम होम मिनिस्टर को फौरी इस पर इस्तीफा देने की मांग करते हैं। इस वजह से कि यह मुल्क दस्तूर की बुनियाद पर चलता है, यह मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, यह मुल्क कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, कोई हिंदू कंट्री नहीं है, कोई सिख कंट्री नहीं है, यह कोई जैन कंट्री नहीं है, यह मुल्क तमाम मजहबों का एक हसीन गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते पर हमको फखर है। लेकिन इस फखर को डिस्ट्रॉय किया होम मिनिस्टर ने। होम मिनिस्टर ने जो राज्यसभा में स्पीच की वो स्पीच टोटली एक कम्युनल स्पीच, और होम मिनिस्टर की हैसियत से एक समझिए कि पार्लियामेंट के ऐवान में इस तरह की तकरीर करना फिरका परस्ती को हवा देने के बराबर है, और ये इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया इज ए हिंदू कंट्री। इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए RSS ने या संघियों ने या अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशन या अमित शाह और मोदी के खानदान ने कोई जिद्दोजहद नहीं की। इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने, सिखों ने, दलितों ने और तमाम वो लोग जो आज सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं उन्होंने जिद्दोजहद की। RSS का या अमित शाह या मोदी का इस मुल्क की आजादी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो कहा कि आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ तंजीमों और NRC की नहीं करेगा ये तय हुआ है, और इसकी भरपूर हम तारीफ करते हैं वहदत इस्लामी की जानिब से। दूसरा है कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए, हमारे दिल की आवाज़ थी कि ये काम इंफरादी तौर पर जमाते ना करें बल्कि सब मिलकर करें, उसको भी यह मंजूरी दी गई।